मैं और मेरा देश। हमारे देश भारत के महान संत स्वामी रामा तीर्थ एक बार जापान गए। जापान में वे रेल द्वारा यात्रा कर रहे थे। एक दिन उन्हें खाने को अच्छे फल नहीं मिले। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी, वहाँ भी उन्होंने फल खोजे पर वहाँ भी नहीं मिले। उनके मुंह से निकला, जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। राम तीर्थ की बात सुनकर वह भागकर एक टोकरी ताजे फल ले आया। उसने फल स्वामी जी को भेंट करते हुए कहा, लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी। स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे। युवक ने फल के बदले कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं, तो अपने देश में जाकर किसी से यह मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी रामतीर्थ युवक का उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। युवक ने इस छोटे से कार्य से अपने देश का सम्मान बढ़ा दिया। इस बात को हम एक दूसरी घटना से और भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। किसी देश का एक विद्यार्थी शिक्षा पाने के लिए जापान गया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए ले आया। इस पुस्तक में दुर्लभ चित्र थे। इन चित्रों को उस युवक ने पुस्तक से निकाल लिया और पुस्तक वापस कर दी। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे ऐसा करते देख लिया और पुस्तकालय में उसकी शिकायत कर दी। जब पुलिस ने तलाशी ली तो चित्र उस विद्यार्थी के पास मिल गए। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश तो वर्जित है ही, इसके देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित है। विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया, जहां रामतीर्थ को फल देने वाले युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वहीं दूसरे ने अपने काम से अपने देश का मस्तक ऐसा झुकाया कि वर्षों तक उसे संसार की आंखों में गिराता रहा। हम यह समझ लें कि जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर ही बुराई का टीका नहीं लगता, बल्कि देश का सिर भी नीचा हो जाता है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे साथ साथ देश का सिर भी ऊंचा हो जाता है। इसलिए हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा खराब हो। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? अपने घर का कूड़ा बाहर खुले में फेंकते हैं? अपशब्दों का प्रयोग करते हैं? इधर की उधर लगाते हैं? अपने घर, दफ्तर, गली को गंदा रखते हैं? चलते फिरते कहीं भी थूक देते हैं? प्रार्थना स्थलों, उत्सवों, मेलों, रेलगाड़ियों और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं? विद्यालय या कार्यक्रम स्थल पर विलंबन से पहुंचते हैं और इसी तरह के अन्य अशिष्ट आचरण करते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके द्वारा देश के सम्मान को गहरी चोट पहुंच रही है। यदि आपका उत्तर नहीं है तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और देश का मस्तक ऊंचा होगा।